जिसे मैं चाहता हूँ, अगर उससे शादी हुई तो कुछ दिनों के बाद, साल या 2 साल साथ में रहने के बाद वह मुझे छोड़ के चली जाएगी। ना अपने घर जाएगी, वह अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहेगी और मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहूँगा, जिससे मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, वो भी अपनी लाइफ के हिसाब से सक्सेसफुल रहेगी। और जिससे मेरी माँ शादी करवाना चाहती हैं, वह थोड़े कम उम्र की है, लड़की है, और वह जब उससे मेरी शादी होगी तो 2 बच्चे होने के बाद वह लड़की सुसाइड कर लेगी और फिर मेरा जीवन अंधकार में चला जाएगा। दोनों बच्चे, लड़की की माँ मतलब बच्चे के नानी नाना पालेंगे। तो बताओ, मैं किसके साथ शादी करूँ और किसके साथ नहीं? और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसे मैं शेड्यूल में लगाकर मैक्सिमम 4 साल का शेड्यूल लगाता हूँ। 4 साल पे ये ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाएगा। विक्रांत कुमार।